जलाओ। क्या बदतमीजी है ये? मेरी न्यू शर्ट जला दी तूने? तूने जानबूझ के किया है ना ये? कभी मेरे कपड़े खराब कर देता है, कभी कुछ कर देता है, मुझे अच्छे से पता है। सारा काम खराब कर दिया तूने मेरा। नहीं मेम साहब, वो गलती से जल गया। गलती से हो गया? तुझे पता तेरी औकात ही नहीं है इस घर में काम करने की। वो तो पता नहीं पापा ने तुझे क्यों काम पे रखा हुआ है। तुझे पता कितनी महंगी टी शर्ट थी ये? तेरे पूरे साल की सैलरी से भी महंगी है वो। नहीं मेम साहब, प्रेस ज्यादा गर्म हो गई थी और कपड़ा भी थोड़ा चिपकने वाला था, इस वजह से जल गया मेम साहब। निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। मेम साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो मेम साहब। गलती हो गई। क्या हुआ प्रियंका, तुमने अभिषेक को थप्पड़ क्यों मारा और इसे घर से बाहर निकालने की बात क्यों कर रही हो? अरे भैया देखो ना, इसने मेरी इतनी महंगी टी शर्ट जला दी, मैं अभी अभी न्यू लाई थी, और मुझे ये भी पता कि इसने जानबूझ के जलाई है। इसको क्या पता कि वो कितनी महंगी की है? देखो प्रियंका, इसमें अभिषेक की कोई गलती नहीं है, बल्कि इसको मैंने ही कहा था कि जो कपड़े बाहर सूख गए उसको ला के प्रेस कर दे। और वैसे प्रियंका एक कपड़ा ही तो जला, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या बात है, तुम जाके मार्केट से दूसरा ले आना। अरे भैया आपको नहीं पता, ये बहुत एक्सपेंसिव शर्ट है और ये ना जॉन मूच के करता है सारी चीज़ें। इसने पहले भी मेरी एक कपड़ा जलाया था और अब फिर से जला दिया। इसको पता नहीं मेरे से प्रॉब्लम क्या है, और मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि इसकी इतनी गलतियां करने के बाद भी आप और पापा इसको घर से क्यों नहीं निकालते? क्या जादू कर रखा है इसने आप पे? प्रियंका शायद तुम्हें पता नहीं है, अगर हम आज इस घर में है ना तो सिर्फ अभिषेक की बदौलत है। मतलब ये कि प्रियंका, जब कुछ साल पहले हम ये घर खरीदने के लिए कोर्ट में जा रहे थे ना, तो हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे, तो उन गुंडों से हमें इसी ने बचाया था और इस प्रॉपर्टी के कागज भी इसी ने हमें दिए थे। तो फिर पापा ने इससे पूछा कि तुम करते क्या हो, कहाँ से आए हो, तो इसने कहा कि मैं गाँव से आया हूँ काम की तलाश में। तो फिर क्या था, पापा को एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत थी जो घर की देख रेख कर सके, और इसे भी काम मिल गया यहाँ पे। और तुम ही बताओ ना प्रियंका, ये इतने सालों से हमारे घर पे काम कर रहा है, हमारे घर की एक चीज़ भी खोई है, एक सुई भी इधर से उधर हुई है? नहीं हुई ना प्रियंका, फिर भी तुम इस पे खामों का शक करते रहती हो, बिना बात के मारते रहती हो, छोटी छोटी बात पे इसको इतना गुस्सा करती हो। और तुम्हें पता है क्या प्रियंका, हम इंसान ना बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। आज तुम्हारा एक कपड़ा ही तो जला है, इतनी सी बात पे तुम इसे मार के घर से निकाल दोगी? ये अच्छी बात थोड़ी है, अगर तुम इसे घर से निकाल देते तो ये बेचारा कहाँ जाता, क्या खाता, अपने घर में अकेला कमाने वाला, ये यहाँ से कमा के गाँव पैसे भेजता है अपने। और प्रियंका जो इसने हमारे लिए किया है ना, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई भी किसी के लिए कर सकता है। और अगर प्रियंका तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी इसके लिए जगह हो ना, तो इससे माफ़ी मांग लो। सॉरी भैया, मुझे नहीं पता था कि ये इतना अच्छा है और इसने हमारी इतनी मदद की है। भैया मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, आप इतने टाइम से मेरे घर की रखवाली कर रहे हो और ऊपर से हमारा सारा काम करते हो। मैंने अनजाने में पता नहीं कितना कुछ बोल दिया और मैं रोज़ तुम्हें सुनाती रही, तुम्हारी बेइज्जती करती रही। आई एम वेरी सॉरी, तुमने तो मेरी फैमिली की इतनी मदद की है, मुझे नहीं पता था सच में, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मेम साहब आप सॉरी मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और गलती तो मेरी थी ना, तो इस वजह से आप माफ़ी मत मांगो मेम साहब। नहीं बट ये गलती से तो किसी से भी हो जाता ना, गलतियाँ तो मुझसे भी होती हैं, और वो इंसान ही क्या जिससे गलतियाँ ना हो। मैंने पता नहीं आपको कितना कुछ बोल दिया, सॉरी। कोई बात नहीं मेम साहब, मुझे भी माफ़ कर दो आप। देख रहे हो ना प्रियंका तुम, इसने तुम्हें कितनी जल्दी माफ़ कर दिया। यही फ़र्क होता है एक गरीब इंसान में और एक अमीर इंसान में। तुमने इसे इतना सुनाया, इतने थप्पड़ मारे, सब कुछ कर दिया, पर इसने तुम्हें उल्टा जवाब नहीं दिया, बल्कि इसने तुम्हें एक बार में माफ़ कर दिया।